नंबर 2023 का क्वेश्चन है ये ओ लेवल्स का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का. हाजिक हैज नॉट मेंटेन फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर हिज बिजनेस. हाजिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31st जुलाई. बैंक लोन आपको दिया है 2019 का भी 20 का भी इन्वेंट्री दी हुई है. क्लोजिंग इन्वेंट्री देखे नहीं दी हुई है, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नोट के तौर पे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट मींस मार्कअप और मार्जिन विल ऑलवेज बी गिवन. इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट मींस मार्कअप एंड मार्जिन विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन. If closing inventory is not given in the question, October-November 2023, if closing inventory is not given in the question, then markup or margin will always be given in the question. Then markup or margin will always be given in the question. Ji. Then markup and margin will always be given in the question to find the missing figure. If closing inventory is not given in the question, then markup and margin will always be given in the question to find the missing figure. Okay. देखते हैं सवाल में आगे. Non-current asset दिए हैं आपको, rent prepaid दिया है, trade payable है, wages accrued है. समरी ऑफ बैंक अकाउंट नीचे लिखी हुई, सेल रिसीट्स दी हुई है, बैलेंस कैरिड डाउन, क्रेडिट चेक पे पेमेंट्स हैं. सेल रिसीट्स का मतलब क्या है? सेल्स है बेटा. सेल रिसीट का मतलब है सेल्स दी हुई है ना बेसिकली. उसकी वजह ये है कि फिर देखो जरा सवाल में सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, तो देखो ना, ऑल सेल्स वर फॉर कैश एंड ऑल कैश रिसीव वर बैंक. इसका मतलब है सारी सेल्स कैश पे थी और वो सारा पैसा कैश सेल्स का हमने बैंक में जमा भी करा दी. तो बात आपने गलत नहीं थी, आपकी बात सही है कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर है लेकिन वह है सारे कैश सेल्स, क्योंकि हमने कैश सेल्स करके लोगों से पैसे बैंक में जमा करवा दिए. तो ये बात आगे नीचे लिखा है, ग्रॉस मार्जिन वाज 40%. तो मैं क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करता हूँ आपको सॉल्व करना. मैंने क्या बनानी है, बेसिकली इनकम स्टेटमेंट मैंने बनानी है. आपको पता है इनकम स्टेटमेंट के लिए कुछ चीजें निकालनी पड़ती है, लेकिन मैंने कुछ, क्योंकि डाटा इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें मैं डायरेक्ट पहले फाइंड करूंगा उसके बाद आगे मैं चलूंगा. सबसे पहले मेरा सवाल ये है, इस क्वेश्चन में SLCA बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों सर? क्योंकि सारी की सारी जो सेल्स है ना वो कैश सेल्स है. इसका मतलब है क्रेडिट सेल्स फाइंड हमने नहीं करनी. जब क्रेडिट सेल्स हमने फाइंड ही नहीं करनी तो हमें SLCA बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैश सेल्स ऑलरेडी हमें दी हुई क्वेश्चन में गिवन है और वही हम सेल्स के तौर पर यूज कर लेंगे. तो देखते हैं, हम दोबारा सवाल पे जाते हैं. सेल कितनी दी हुई हमें? 166,000. तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 166,000, दैट इज माय सेल्स. इसमें से हम लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे हम. जी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे. सबसे पहले क्या आपकी आ जाएगी जी? ओपनिंग इन्वेंट्री. उसमें हम ऐड कर देते हैं जी परचेजेस, और हम उसमें से लेस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, ठीक है. तो मैं ओपनिंग इन्वेंट्री पहले लिखता हूँ. ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं पीछे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है. 19 में इन्वेंट्री दी हुई है 8400. मैं लिख लूंगा जी कि ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास दी हुई है 8400. इसमें मैं ऐड कर लूंगा परचेजेस. परचेजेस कहाँ दी हुई है? परचेजेस हमें नहीं दी हुई. अब मुझे ये बताएं, ये भी लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए, नोट और लिख लें. If opening or closing trade payables are given in the question, नीचे लिखने कोई बात नहीं, सवाल के नीचे नहीं, मतलब जहां पे लिखा है वहां पे सवाल तो लग चलेगा मेरे भाई, वो अगले पेज पे करो यार. हाँ, obviously. If opening or closing trade payables are given in the question, if opening or closing trade payables are given in the question, we will prepare PLCA to find credit purchases. If opening or closing trade payables are given in the question, we will find PLCA to find credit purchases. यानी अगर opening closing trade payables given हो question में, तो हमें purchase ledger control account भरना पड़ता है credit purchases find करने के लिए.
हम बनाएंगे, वी विल प्रिपेयर पीएलसीए या परचेज एज अ कंट्रोल अकाउंट टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस। तो सान का सवाल उठता है, ठीक है सर ये बात समझ आ गई, कि सर हमने ओपनिंग कैपिटल क्यों नहीं निकाला। सबसे पहले तुम्हारा स्टेप होता है ना ओपनिंग कैपिटल निकालने का, फर्स्ट वी कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से। हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगी, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट मांगी, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर कैपिटल की जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने ओपनिंग कैपिटल फाइंड नहीं किया। वैसे मैं ओपनिंग कैपिटल यहां से भी निकाल सकता हूं, कैसे निकालेंगे जरा बताएंगे मुझे आप? जी सर, हाँ जी, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, एसेट इस बार में नहीं दिया हुआ लेकिन हम निकाल सकते हैं सर, ओपनिंग कैपिटल ऐसे निकलेगा जी, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, ये पता नहीं है ना, यहां से 8400 प्लस 35580 प्लस 240 एंड क्रेडिट भी करंट एसेट होते हैं, ठीक है, माइनस 6280 माइनस 6000 और माइनस 2150, डोंट फॉरगेट टू टेक द ओपनिंग कैश बैलेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालते हो अगर ओपनिंग कैश बैलेंस को आपने मिस नहीं करना है, ओपनिंग कैश बैलेंस ओवरड्राफ्ट किया था, ये लायबिलिटी है एसेट नहीं है, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि कैपिटल निकालने का मामला होता है ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो ओपनिंग एसेट कौन-कौन से थे? इन्वेंटरी, नॉन करंट एसेट, रेंट, प्रीपेड, बस। तो ट्रेड पेबल मैंने माइनस किया, बैंक को भी माइनस किया, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट होते हैं, ये भी माइनस होगा, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमसे बैलेंस शीट मांगी नहीं है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है बैलेंस शीट में, यहाँ पे मैं सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इसलिए मैंने वो स्टेप नहीं किया। एसएलसी मैंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्रेडिट सेल्स भी नहीं है, हमें सारी कैश सेल्स दी हुई, वो भी नहीं बनेगा। अब मुझे क्या बनना पड़ेगा? पीएलसी, क्योंकि मेरे पास परचेजेस की अमाउंट मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे बना रहा हूँ साइड पे पीएलसी, यानी कि परचेज एज ए कंट्रोल अकाउंट में प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपको पता है इसका एक फॉर्मेट है, हम उस फॉर्मेट के तहत ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बिल्कुल, हमें दोबारा वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमने ये काम पहले भी किया है पिछले क्वेश्चन के अंदर। जहाँ दिल करे आपका, जहाँ दिल करे आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ जगह मेरे बना दे कोई इशू नहीं। तो ब्रॉट डाउन कैरिट डाउन में क्या होता है हमारा, ट्रेड पेबल्स दिए हैं 6280 की ओपनिंग और क्लोजिंग है 7460। ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दिए हैं आपको 6280 के, क्राइट साइड में क्यों आ रहे हैं बेटा ये? क्योंकि आपके जो ट्रेड पेबल्स होते हैं वो आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। जो कैरेट डाउन लिखा हुआ है मैंने, वो भी लाइबिलिटी ही है 7460 के, और उसका बैलेंस भी क्रेडिट ही है। जब ये आगे जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट साइड पर ही लिखा जाएगा। डेबिट पे आपका क्या आ जाता है जी? पेमेंट टू ट्रेड पेबल, यानी ट्रेड पेबल्स को जो हमने पेमेंट किए हुआ डेबिट साइड पे लिख देंगे। देखते हैं पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स हमारी कितनी है, ये लिखी हुई है। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर्स कितनी है? 96,220, 96,220, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 96,220, ये मेरी पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ गई। इसके अलावा अगर आपको परचेज रिटर्न दी होती तो वो भी रिकॉर्ड करता, डिस्काउंट रिसीव होता वो भी डेबिट साइड पे आता, रिटर्न आउटवर्ड भी आती, लेकिन फिलहाल इस फॉर्म में मौजूद नहीं है। इसका टोटल कर लूंगा मैं, बताता हूँ टोटल कर लूंगा इसका मैं, और फिर मैं क्रेडिट साइड माइनस करूंगा तो क्रेडिट परचेज आती है। टोटल बताएं कितना आ रहा है? 103,680। इधर भी आपका आ जाएगा जी उसी तरह, सॉरी 103,680 माइनस कर दूंगा मैं, मेरे पास क्रेडिट परचेज आ जाएंगी। कितनी आ रही है? 90,000, ओके 97,100, ये मैंने परचेज निकाला है 400, सॉरी प्लीज, मुझे परचेज निकालने की क्या जरूरत थी, मैंने क्यों बनाया उसने तो परचेज फंड करने को मुझे कहा ही नहीं सवाल, मैं क्यों कर रहा हूँ? इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट में परचेज के बगैर आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते, तो आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा। मैं लिखूंगा, वैसे मैंने तो आपको याद करवा दिया है कैसे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स नहीं हो तो आप पीएलसीए बनाएंगे लास्ट में, फॉर श्योर है, ठीक है जी। लेस इसमें से हमने करनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो हमें नहीं पता, इसका टोटल कर लेते हैं हम पहले, इन दोनों का टोटल करने कितना आता है, यानी 97,100 प्लस 8400 आ जाता है, बताएं, बताता हूँ क्यों इस साथ में करना, कर सकते हैं 1,05,800। इस वाले मैंने अलग किया है, आप अलग भी कर सकते हैं, आप साथ भी कर सकते हैं 1,05,400। नहीं सर, ऊपर 97,400 ठीक है।
400 टोटल आपका आ गया 105,800। अब इसमें से ऑब्वियसली मुझे क्या माइनस करनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि मुझे मालूम नहीं है, राइट, उसका अमाउंट मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं कॉस्ट ऑफ सेल भी फाइंड नहीं कर सकता। माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। ऐसे कर सकते हैं वापस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वो आप बाद में यूज करेंगे ना, पहले नहीं करेंगे ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि अगर आप सवाल में देखें तो ग्रॉस मार्जिन दिया है आपको 40%। जी बेटा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैं कैसे फाइंड करूंगा, 40% ग्रॉस मार्जिन दिया है, तो ग्रॉस मार्जिन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। तो सेल्स हमें दी नहीं क्वेश्चन के अंदर, अगर उस पर 40% लगा लेंगे डायरेक्ट, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। तो सेल्स कितनी दी हुई हमें, 1,66,000 की, इसका हम ले लेंगे कितने परसेंट, 40%, तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। बताएं कितनी आती है, मैंने बैलेंस शीट फिगर से निकालूंगा ना बाद में, वो बाद की बात है, 66400। सबसे पहले तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ना, वी आर नथिंग टू डू विद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात नहीं कर रहे, फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है सेल्स का 40% है, तो सेल्स हमें दी हुई है कितनी है, 1,66,000, उसका 40% आप ले लेंगे तो आपके पास जो है वो जीपी आ जाएगा 66,400। सेल्स में से जीपी माइनस कर दें तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी कितनी आती है जी, सेल्स में से जीपी माइनस कर देंगे तो बैलेंस शीट अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेगी कितनी आती है जी, 99,600, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब 105,800 जो कि ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस का टोटल है, उसमें से आप माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 99,600, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करके टोटल फिगर ना लिखूं तब भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तब बैलेंस फिगर निकालना थोड़ी सी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा आसान है कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस ऐड करके लिखें और फिर उसका और कॉस्ट ऑफ सेल्स का जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप क्या ट्रीट कर लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कि कितनी आती है, 6,200। इस तरीके से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइंड किया है, कैसे जाके रिवर्स जाके हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड की। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट पता नहीं थी, हमने पहले मार्जिन की मदद से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया है, क्योंकि सेल्स का 40% वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट, तो 1,66,000 का 40% जीपी आ गया, सेल्स में से जीपी माइनस किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। ये सारा काम आप करते रहे, किसमें, रेशियोज में भी करते रहे, अभी काम कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ गई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आई थी, 105,800 में से आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस की थी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, तो 105,800 में से माइनस कर देंगे 99,600, तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 6,200 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने मिसिंग फिगर के तौर पर फाइंड कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी गई। ओके, समझ आ रही है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पर आपको पता है कि ऐड कर देते हैं कोई भी इनकम अगर क्वेश्चन में दी हो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है तो हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, और आपको पता है कि एक्सपेंसेस का अकाउंट भी बनाना पड़ता है, ठीक है जी। सर पहले तो नहीं बनाया भाई जान, 5 स्टेप्स मैंने आपको समझाई थी। पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल, जिसका तरीका है ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यहां बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, तो कैपिटल निकालने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट में कैपिटल नहीं आता। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, हम बनाते हैं सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, क्या फाइंड करने के लिए, क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए। तो क्रेडिट सेल्स जो है वो भी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि सारी की सारी सेल्स जो है वो कैश पे है। कहां लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ऑल सेल्स वर फॉर कैश। इसी तरह इसी वजह से ट्रेड रिसीवेबल हमें ऊपर दिए भी नहीं हुए, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ट्रेड रिसीवेबल का कोई बैलेंस मौजूद नहीं है, तो SLCA नहीं बनेगा क्योंकि क्रेडिट सेल्स भी नहीं निकाले, तो जो सेल्स है वही कैश सेल्स है सारी की सारी। फिर हम बनाते हैं PLCA टू फाइंड क्रेडिट परचेजेस, तो PLCA का अकाउंट बनेगा, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए तो मैंने अकाउंट बनाया है और वहां से मैंने क्रेडिट परचेजेस फाइंड किए जो मैंने इनकम स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त इस्तेमाल किए हैं। फिर मैंने जीपी निकाला, सेल में से माइनस किया जीपी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए और रिवर्स जाके मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री फिगर फाइंड कर ली 6,200। इसके बाद स्टेप हमारा आता है एक्सपेंस और इनकम अकाउंट बनाना। अगर किसी एक्सपेंस का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो, वही पॉइंट है, तो आपको वो एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करने के लिए। फिर हम क्या बनाते हैं, एसेट अकाउंट, क्या फाइंड करने के लिए, डेप्रिसिएशन। और एसेट अकाउंट किस मेथड से बनाते हैं, नेट बुक वैल्यू मेथड से। तो मैं देखता हूँ यहाँ जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, वो बात की बात है। सबसे पहले मुझे ये बताएं बिरला, ये सवाल में किसी एक्सपेंस का ओपनिंग या क्लोजिंग दिया है, लेकिन दिया, देखिए इसका दिया हुआ बताएं। एक तो रेंट प्रीपेड का भी ओपनिंग दिया हुआ है और वेजेस का भी दिया हुआ है, यस,
ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अकाउंट बना के समझाऊंगा। हालांकि इस बार में हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा डाटा एक्सपेंस के हवाले से मौजूद नहीं है। अगली बात करते हैं, बनाते हैं अभी हम बैंक लोन हमारा कितना था साल के शुरू में। देखिए कितना था बैंक लोन साल के शुरू में, बैंक लोन कितना पे करना था आपने, 6000 पे करना था। उसमें से कहता है बैंक लोन की रीपेमेंट कर दी हमने कितनी, 1500 हमने बैंक लोन पे कर दिया, तो बाकी बैंक लोन कितना रह गया, 4500 हमें अभी भी पे करना है। लेकिन उसका भी सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों, क्योंकि 4500 हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है और हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, वरना हम बैलेंस शीट बनाते तो वहां पे नॉन करंट लाइबिलिटी में 4500 में लिखता। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि बैलेंस शीट बनानी पेपर में नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन फिर उस सूरत में आपको इनकम स्टेटमेंट में क्वेश्चन में डिमांड नहीं करेगा, हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी। तो 20 नंबर का सवाल है, उसने एक लिमिटेड टाइम के अंदर 20 मिनट होते हैं, इसमें आपने सवाल जो है वो सॉल्व करके दिखाना है। तो बनाते हैं जी, इसके बाद हम देखते हैं एसेट अकाउंट, सॉरी नॉन करंट एसेट में अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट में जो डिफरेंस नजर आ रहा है सारी की सारी डेप्रिसिएशन है। क्यों सर, क्योंकि नॉन करंट एसेट आपने ना तो कोई नया परचेज किया है और ना ही कोई आपने बेचा है, लेकिन मैं फिर भी अकाउंट बना के दिखाऊंगा, राइट। चले जी बनाते हैं हम आगे। सबसे पहले मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा जी, रेंट का। तो रेंट हमारा क्या है जी, एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अकाउंट का फॉर्मेट हमारा क्या होगा जी, वो हम बनाते हैं। फॉर्मेट बेटा याद कर लें, जितनी जल्दी याद कर लेंगे उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, जितनी देर से याद करेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। वजह उसकी है कि इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में भी यही इस्तेमाल होना है। सबसे पहले इसका क्या आता है जी, प्रीपेड ब्रॉड डाउन। इधर आपका क्या आता है जी, प्रीपेड कैरेट डाउन। ये आपका करंट एसेट है ना, एसेट है आपका, ये एक्रूड ब्रॉड डाउन, ये आपकी लाइबिलिटी है। इधर आपका आ जाएगा एक्रूड कैरेट डाउन। फिर आपका इधर आपका आ जाएगा जी कैश फिगर, जितना आप पे कर रहे हैं। और इधर आपकी आ जाएगी जी इनकम स्टेटमेंट फिगर, विच इज बेसिकली योर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हम उसे यूज करते हैं। तो देखते हैं जी प्रीपेड ब्रॉड डाउन हमें कितना दिया है सवाल में रेंट के हवाले से। रेंट का प्रीपेड ब्रॉड डाउन दिया है कितना, 240। तो मैं लिख लूंगा रेंट का प्रीपेड ब्रॉड डाउन 240 का, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूंगा। प्रीपेड ब्रॉड डाउन, सॉरी एक्रूड ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में रेंट के बारे में नहीं दिया हुआ, एक्रूड कैरेट डाउन नहीं दिया हुआ, प्रीपेड कैरेट डाउन वो भी नहीं दिया हुआ। कैश फिगर कितनी है वो आपको बैंक अकाउंट से मिलेगी, कितना रेंट हम कैश की सूरत में पे कर रहे हैं ये लिखा हुआ है। रेंट कितना पे कर रहे हैं, रेंट कितना पे कर रहे हैं, 2640, ठीक है, वो हम लिख लेंगे कैश की जगह पे आपका आ जाएगा जी 2640। और अब हम दोनों साइड्स का टोटल करके लिख लेंगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस फिगर के तौर पे कितनी आ रही है जी, 2880 मेरा साल है, ये आपकी निकल रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट है, सही है ना। तो आपकी 2880 जो है वो रेंट की फिगर आ जाएगी, जो आपने बेसिकली एक्सपेंस के अंदर क्या करनी है, रेंट हमने निकाला ही बेटा, ये अकाउंट बनाया इसलिए था कि जो रेंट की फिगर आपने इनकम से फिगर निकालनी है वो लिखनी है आपने इनकम स्टेटमेंट के अंदर, जो कि आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने वेजेस का अकाउंट बनाना है, अगर नहीं भी बनाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, क्योंकि वेजेस जो आपने पे किए हैं वो दी हुई 41400, वेजेस जो पे किए वो 41400 की है जी, वेजेस जो पे किए 41400 की है। और वेजेस एक्रूड कितनी है एट द एंड, 610 की, साल के एंड की जो एक्रूड वेजेस होती है वो वेजेस हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हम सिंपली ऐड करके लिख देंगे, अकाउंट बना के करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, अकाउंट ना भी बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वेजेस दी हुई 41400 और एक्रूड है 610 की, मैं लिख लेता हूं 41400 और यहां प्लस कर देता हूं मैं 610, तो कितना आ जाएगा मेरा जी, 42010 आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं निकालूंगा डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। उसके लिए मैं अकाउंट बना लेता हूँ, किसका, एसेट का अकाउंट बनाऊंगा मैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम नॉन करंट एसेट अकाउंट जो है वो कैसे बनाते हैं। उसका भी एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है, चाहे इस क्वेश्चन में उस फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कल नहीं आए थे, ताकि उनको समझ आ जाए कि हमने ये स्टेप्स तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सवाल में करने ही करने हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट में आपका आ जाएगा ब्रॉड डाउन, जितना एसेट आपके पास पड़ा हुआ है। फिर डेबिट साइड पे आपका क्या आ जाएगा, एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, परचेज। इधर आपका आ जाता है सोल्ड, जो आपने बेचा उसकी वैल्यू आती है। फिर आपका आ जाता है डेप्रिसिएशन, और लास्ट में आपका क्या आ जाता है जी, कैरेट डाउन, राइट। तो देखते हैं हमें ब्रॉड डाउन कितना दिया हुआ है नॉन करंट एसेट का। अगर हम सवाल में देखें तो नॉन करंट एसेट का ब्रॉड डाउन आपको दिया हुआ है 35580 ओपनिंग। ओपनिंग कितना दिया हुआ है जी,
35580। एडिशन कोई है नहीं, अगर एडिशन होती तो मुझे कहां पे मिलती, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, हम नया एसेट जो खरीद रहे हैं, नया नॉन कैश जो परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्रेडिट साइड पे देखें तो आपने कोई नया नॉन कैश परचेज नहीं किया, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें तो नॉन करंट एसेट हमने बेचा भी कोई नहीं है, आखिर में कितना रह गया 32450 का, तो वो लिख लेते हैं हम एंड पे कितना रह गया 32450। इनका डिफरेंस निकाल लें, दैट इज योर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कितना आता है जी 35580 माइनस 32450 3130। ये आपके पास डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट आपने निकाल ली जो कि आपकी आ गई 3130। बाकी अमाउंट्स नहीं दी हुई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में बाकी अमाउंट्स ना दी हो, अगर दी होंगी तो आपको लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। आगे निकालते हैं हम एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए आपको और जनरल एक्सपेंसेस आपके हैं 10890। तो जनरल एक्सपेंसेस आपको दिए हुए कितने के 10890 के आपके लिए में जनरल एक्सपेंसेस, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए। सर जनरल एक्सपेंसेस आपने डायरेक्टली लिख लिए, इसकी क्या वजह है, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस में हमें कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग वगैरह दिया हुआ नहीं है, जितना लिखा वही लिखेंगे आप सारी बात। ड्रॉइंग्स नहीं आती भाई, ड्रॉइंग्स वहां बैलेंस शीट में जाने की कैपिटल से माइनस होनी है, ड्रॉइंग्स के एक्सपेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे वेजेस भी लिख लिए हैं, जनरल एक्सपेंस भी लिख लिए, रेंट भी लिख लिए, एक एक्सपेंस रह गया कौन सा, बैंक लोन इंटरेस्ट। बेटा बैंक लोन रीपेमेंट आपका एक्सपेंस नहीं है, वो आप नॉन करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होती है और दूसरी तरफ कैश भी कम होता है, इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस है। कितना दिया हुआ है 300 का, वो मैं लिख लूंगा यहाँ पर, लोन इंटरेस्ट आ जाएगा 300 का। इसके अलावा देखते हैं बैड डेट्स के एक्सपेंसेस तो कोई है नहीं, और प्रवीण डाउटफुल डेट्स भी हम नहीं बना रहे, वो भी एक्सपेंस नहीं है आपका। और कोई एक्सपेंसेस अगर मैं देखना चाहूँ कोशिश करके निकालने की, तो मेरे पास कोई भी एक्सपेंस मौजूद नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। इसका हम कर लेंगे जी टोटल, और वो हम माइनस कर देंगे टोटल करके, तो आपका जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। तो निकालें पहले तो टोटल कितना आता है हमारा, तो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का बनिस्पतन एक आसान सवाल था, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस अकाउंट और एसेट अकाउंट में बहुत ज्यादा चीजें मौजूद नहीं थी, लेकिन पेपर में सवाल इससे टफ भी आ सकता है। लेकिन इसमें टफ पॉइंट था वो क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री का पॉइंट जो था वो नया आया हमारा, कि हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट में सेल में से माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट को, कॉस्ट ऑफ सेल जाइए, वहां से रिवर्स जाकर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड की, ठीक है। अब्दुल्ला आपने इनसे कहना है कि मच्छर पर कम से कम स्प्रे तो कर दे, इतने मच्छर ने स्प्रे इनसे कर दी, और क्या अजीब है, आपको भी काट रहे थे अभी, देख रहा था ये तो काट ही रहे हैं, ब्लैक जो बना मैम। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप घर में हाँ देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट कहते हैं जी एडवाइज हाजिक वेदर और नॉट शी शुड मेंटेन अ डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम फॉर हिज बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर विद टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेजेस। एक तो ये कि इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर यू, यू हैव टू हायर एन अकाउंटेंट जी, नहीं मैं तो मैं एडवांटेजेस पहले लिख लें। एक तो यू कैन एक्सेप्ट अ ट्रायल बैलेंस, यू कैन एक्सेप्ट अ ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट कैन बी डिराइव्ड, सेकंड एडवांटेज है, फिर बिजनेस परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, प्रॉफिट कैन बी डिराइव्ड, ट्रायल बैलेंस कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मैंने बता दिया, बिजनेस परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड, फिर क्या हो सकता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कैन बी मेड, मतलब अकाउंट्स को देखिए हम डिसीजन मेकिंग तो कर सकते हैं ना, फिर चार महीने बता दिए, इन्वेस्टर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस, कैन बी मेड आफ्टर लुकिंग फॉर अकाउंट्स, वी कैन गो फॉर अ डिसीजन ना, फिर क्या, इन्वेस्टर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस, फिर और क्या फायदा है जी, बैंक लोन कैन बी टेकन
after showing financial statements. Bank loan can be taken after showing financial statements. सारी बात है, अगर बैंक को हम ये बताएंगे कि हमें बहुत प्रॉफिट हो रहा है, हमारे बिजनेस को ये देखें, हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, बैंक कहेगा भाई ठीक है ये लोन के पैसे वापस आसानी से कर सकते हैं तो मैं लोन दे दूंगा. बैंक लोन कैन बी टेकन आफ्टर शोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये कि इट इज एन एक्सपेंसिव टेक्निक. जी टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल ठीक है. We have to hire an accountant. We have to hire an accountant, and administration work is required. We have to hire an accountant, and administration work is required. सिर्फ accountant ही चाहिए होगा, बाकी लोगों का administration work भी में ज़रूरत पड़ेगी लोगों के काम करने के लिए. ठीक है जी, और time consuming हो गया, expensive बाकी बस. Disadvantage इतने ही हैं, कोई basically तो advantages ही हैं ना. Disadvantage थोड़ी होते हैं इसके. Currently, आगे चलते हैं जी. नेक्स्ट क्वेश्चन को आप छोड़ दें अभी, वो मैंने आपको करवा दिया है, उसका लेक्चर आप कहीं तो हेल्प भी दूंगा, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपने घर में करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मंडे को करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका चैप्टर का. और अभी आप निकाल लें पेज नंबर 561. देखिए द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ Arden, for the books of Arden. First February trade receivable balance दिया हुआ है, trade payable balance दिया हुआ है, check received from trade receivable दिया हुआ है, check paid, check from trade receivable dishonored दिया हुआ है, check paid to trade payables and discount, allowed discount received है, purchase return है, bad debts है, cash sales है. बेटा cash sales SLCA में नहीं आती, cash sales पर trade receivable effect नहीं होते, इसलिए bad debts दिए हुए आपको, trade receivable balance closing भी दिया हुआ है, trade payable भी दिया हुआ है. कौन सी चीज ऐसी जिसमें नहीं दी हुई जो SLCA में आती है, कोई भी बता सकता है, कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं दी हुई जो SLCA में आती है लेकिन दी नहीं हुई, और PLCA में भी आती है लेकिन दी नहीं हुई. और कोई मेजर चीज, मेजर पॉइंट है जो जरूरी होता है. हाँ जी, क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, तो SLCA बनाएंगे क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए, और PLCA बनाएंगे क्रेडिट परचेजेस निकालने के लिए, जैसे पहले करते थे जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमने पढ़ा है. जी हाँ जी हाँ जी, वही है वही है. प्रिपेयर द परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट शोइंग द क्रेडिट परचेजेस मेड इन द मंथ ऑफ फरवरी. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने ये बताया होता, समझ आई, हमें खुद भी निकालने पड़ सकते हैं, यानी खुद भी बताना चाहिए. प्रिपेयर द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोइंग द क्रेडिट सेल्स मेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी. फिर आगे दी हुई है पेमेंट्स फॉर फरवरी, वेजेस, जनरल एक्सपेंसेस पे किए आपने, इन्वेंट्री दी हुई है, नॉन करंट एसेट दिए हुए, और जनरल एक्सपेंसेस ओइंग भी आपको दिए हुए. ठीक है जी, तो ये सवाल आपने घर में करना है, कुछ इसका पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ अभी. सबसे पहले बेटा वही तो बनाने जा रहा हूँ, पहले तो बात ये कि नॉन करंट एसेट की देख लें, डेप्रिसिएशन कितनी हो रही है आपके नॉन करंट एसेट स्टार्ट में, कितने दिए हुए अभी 18,000 के, स्टार्ट में कितने दिए हुए 18,000 के, वफा एंड में कितने हो गए 17,200, तो कितना डेप्रिशिएट हो गए 800 आपकी डेप्रिसिएशन है. नया आपने तो खरीदा नहीं, बेचा भी कोई नहीं, तो 800 की आपकी डेप्रिसिएशन है. अब हम बनाते हैं किसका, एक्सपेंस का अकाउंट. तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट आपका बनेगा, वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ. हाँ बिल्कुल है, मंडे टू सैटरडे 9 बजे जनरल एक्सपेंस हमारे आ जाएंगे. जी जनरल एक्सपेंस देखते हैं हम, कि हमारे पास जनरल एक्सपेंस में ओइंग, ओइंग का मतलब क्या होता है जी, ओइंग का मतलब है एक्रूड, ओइंग, आउटस्टैंडिंग, यानी पेबल है. तो ओइंग हमारे किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड पे आएगा आपका, ब्रॉट डाउन जी लायबिलिटी है, कितनी अमाउंट है उसकी 2300. इधर आपके आ जाएंगे जी एक्रूड क्रेडिट डाउन, वो कितने आ जाएंगे जी आपके पास 1600. कैश फिगर इधर आती है आपकी, आपने पे करनी है, वो कितनी है कैश फिगर, कितनी है जनरल एक्सपेंसेस की 7900. कहाँ दी हुई है सर, कैश फिगर 7900 जो दी हुई है जनरल एक्सपेंसेस की, बेटा ये दी हुई है, बस कर दो. इधर आपकी आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट फिगर, जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी होगी, बताएं कितनी आती है जी फरीद, 7900 प्लस 1600 आपका हो जाएगा 8,000, 9,500 माइनस 2,300 कितना आता है
7200 आपकी इनकम स्टेटमेंट फिगर आ जाएगी, जो कि आपने इनकम स्टेटमेंट में लिखनी है। बाकी इन्वेंटरी दी हुई है, बाकी सब कुछ वेजेस एज इट इज आएंगी, बाकी आपको कोई और अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, एसएलसी बनेगा, पीएलसी बनेगा, कर सवाल करके लाएंगे, मतलब ये सवाल करना है घर में, ठीक है, मैं रात को पूछ लूंगा। समझ आ गई है ना, ये कर लेना सॉल्व। हाँ जी, क्या नंबर है जी आपका? एक माइनस 7.5 और जी जी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अच्छा तुम ये पूछ रही हो मुझसे, एमसीक्यू उसका आंसर पूछ रही हो, क्या एमसीक्यू दोबारा बताओ? आपका पेपर दोनों सेम है? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा जी, ये 11.9 और दूसरी कौन सी? 11.75 और दूसरा है 1.75। वो इतनी सी है सर? सर जीए शुरू से नहीं, राइट नहीं कर रखी। अच्छा, तो इसका दूर की है या करीब की है? सर वो मुझे नहीं, सर आई थिंक डिस्टेंस क्या होगी, जो नेगेटिव नंबर होता है डिस्टेंस। हां तो नेगेटिव डिस्टेंस का नंबर तो आपका ठीक हो सकता है, ये लेजर आफ्टर 18 या 20 ईयर्स। हां लेजर हो जाएगा फिर तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, उधर जाएगा जी, ठीक बात। और पीछे भी जाऊं? नहीं नहीं नहीं, साथ ही इसके, इसी के साथ सवाल है वो, ये देखो